हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राखी एंड वेलकम बैक टू राखीज रसोई। आज मैं आपके साथ साउथ इंडियन फेमस डिश अपम की रेसिपी लाई हूं। इस अपम के बैटर में मैंने कई सारे दाल यूज किए हैं और इसी के साथ कई सारे वेजिटेबल्स भी। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं अपम कैसे बनाते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी मैं रेसिपी वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। पहले हम दाल को भिगोएंगे। उसके लिए एक बाउल ले और एक एक कटोरी से सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्सर करेंगे। हाफ कप तुवर की दाल, हाफ कप उड़द की दाल, हाफ कप मूंग की दाल, हाफ कप चने की दाल और हाफ कप चावल लेंगे। यानी सारे इंग्रेडिएंट्स इक्वल मेजरमेंट में मैंने लिया है। इसे आप पानी डाल के 3 से 4 बार अच्छे से धो लें। धोने के बाद इसमें फ्रेश पानी डालें और इसे कम से कम 6 से 7 घंटे भिगोने रख दें। भिगोने के बाद आप देख सकते हो कि दाल अच्छे से फूल चुकी है। अब इसमें से सारा एक्स्ट्रा पानी निकाल दें और दाल को एक ग्राइंडिंग जार में ट्रांसफ़र कर दें और इसे ग्राइंड कर लें। ग्राइंड करने के बाद इस तरह से बैटर तैयार हो जाएगा। अब इस बैटर को एक डब्बे में ट्रांसफ़र कर दें। यहाँ पर मैं बैटर को फर्मेंट कर रही हूँ। अगर आपको बिना फर्मेंट करते हुए ये अपम बनाना है तो आप इंस्टेंट इनो डाल के बना सकती हो, लेकिन मैं इसे फर्मेंट कर रही हूँ इसलिए मैंने एक डब्बे में बंद कर दिया है और इसे हम कम से कम 5 से 6 घंटे फर्मेंट कर देंगे। 5 से 6 घंटे फर्मेंट करने के बाद आप देखिए इसमें अच्छे से फर्मेंट आ चुका है। मैं आपको थोड़ा निकाल के दिखाती हूँ। तो देखिए इस तरह आपका दाल में फर्मेंट आ जाएगा। अब इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद एक वेसल में थोड़ा सा बैटर ट्रांसफ़र कर दें। अब यहाँ पर हम मनचाहे वेजिटेबल्स डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर 2 बारीक कटी हुई टमाटर, 1 बारीक कटी हुई प्याज, 1 बारीक कटी हुई गाजर और कम से कम 6 से 7 बारीक कटी हुई मिर्ची, अदरक और कड़ी पत्ता डाल रही हूँ। थोड़ा सा जीरा और स्वाद अनुसार नमक डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर दें। क्योंकि बैटर अच्छे से फर्मेंट हो चुका था, मैं इसमें सोडा या इनो बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रही हूँ। अगर आपने दाल को फर्मेंट नहीं किया है तो आप यहाँ पर सब्जी अच्छे से मिक्स करने के बाद थोड़ा सा इनो डाल के अपम बना सकते हो। ये हमारा अपम बनाने का बैटर तैयार हो चुका है। साइड में मैंने अपम स्टैंड को पहले से ही गर्म करने रख दिया है। अब यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ कास्ट आयरन का अपम स्टैंड, इसलिए हम इसमें थोड़ा सा तेल ज़्यादा डालेंगे। अगर आप नॉनस्टिक यूज़ करते हो तो उसमें तेल काफ़ी कम लेगा, लेकिन सीइंग द हेल्थ बेनिफिट में कास्ट आयरन प्रीफर करती हूँ। जैसे ही अच्छे से गर्म हो जाए अब एक एक करके इसमें थोड़ा सा बैटर डाल दें। फ्रेंड्स, यहाँ पर कास्ट आयरन को कैसे अच्छे से ग्रीस करते हैं और मेनटेन करते हैं ये मैं वीडियो बहुत ही जल्द अपलोड करूँगी। ये कास्ट आयरन मैंने पहले से ही अच्छे से ग्रीस किया था, इसीलिए ये आसानी से निकल जाएगी। अब इसे ढक्कन लगाकर 3 से 4 मिनट होने दें। 3 से 4 मिनट बाद आप देखिए ये बीच में से थोड़ा सा कच्चा है, लेकिन कॉर्नर्स में थोड़े से गोल्डन स्पॉट्स आ चुके हैं। बस हमें इसी टाइम पर इसे पलटाना है। इस तरह पलटाने से अपम नीचे से भी गोल बनेंगे। इस तरह आप सारे अपम को पलटा दें। यहाँ पर मैं स्पून से इसे पलटा रही हूँ। आप चाहे फोक या स्टिक की हद से इसे पलटा सकते हो। जितना आप अपम स्टैंड यूज़ करोगे ये उतना ही नॉनस्टिक जैसा काम करेगा और ये आसान होगी। अगर आप नए नए में यूज़ करते हो तो इसे अच्छे से ग्रीस कर दे, उसके बाद ही आप इसमें अपम बनाएं तो आपके भी अपम इसी तरह निकल जाएंगे। पलटाने के बाद भी इसे 3 से 4 मिनट होने दें। क्योंकि ये अच्छे से ग्रीस था हम इसे फिर से तेल नहीं डालेंगे। आप देखिए इस तरह सारे अपम बन चुके हैं। आप एक एक अपम को ले लिए और एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर दिए। आप अपम को देखिए, हमने इसे कच्चे पक्के में ही पलटा दिया था, इसलिए ये दोनों तरफ से गोल बने हैं। इस तरह आप बाकी बचे बैटर का भी अपम बना ले। लेकिन आप जब भी बैटर डालते हो पहले थोड़ा सा तेल अच्छे से डाल दें, उसके बाद थोड़ा थोड़ा बैटर डालते हुए इस तरह अपम बना ले। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह मैंने सारे अपम बना लिए हैं। ये अपम चटनी या आप टमाटर सॉस के साथ भी खा सकते हो। चलिए मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ। अंदर से बहुत ही जाली अच्छे से आई है और इसका टेस्ट भी बहुत बढ़िया है। जैसे मैंने इसमें प्याज, टमाटर और गाजर यूज़ किया है, आप मन चाहे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स या कोई भी एक्जॉटिक वेजिटेबल्स इसमें यूज़ कर सकते हो। फ्रेंड्स, रेसिपी ट्राई ज़रूर करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप ये अपम कैसे बने। अच्छी लगी हो फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें और साथ ही मुझे इंस्टाग्राम पर राकेश रसोई के नाम से टैग करें और आपकी फुट क्लिक शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप ट्राइंग माय रेसिपीज़।